हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। तो आगे देखते हैं चतुर्विधि से रिलेटेड टॉपिक। आज हम देखेंगे गोला और अर्धगोला। ठीक है, तो गोला और अर्धगोला हम देखते हैं, गोला या अर्धगोला। अर्ध गोला, ठीक है। तो गोला एक थ्री डी फिगर होता है, ठीक है, फिगर होता है, थ्री डायमेंशनल फिगर होता है। इसमें हमें दो चीज पढ़ना होता है। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर है। तो गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? गोला का आयतन का फॉर्मूला थोड़ा जानना होगा। तो वो होता है 4/3 πr³। ठीक है, यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होगा, या फिर कहें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ही हम बोल सकते हैं। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है? 4 πr² ठीक है, गोला से रिलेटेड यही है बस। आगे अब अर्धगोला यदि देखते हैं, इसके एप्लीकेशन को देखेंगे, लेकिन जनरल फॉर्मूला जो बेसिक होता है वो इतना ही है। तो अर्धगोला इस तरह से इसका फिगर हम देख सकते हैं। यहाँ पे सेंटर है, इस तरह से आ, ठीक है। तो अर्धगोला का यहाँ पे वी या आयतन क्या होगा? गोला का आधा, ठीक है। तो 4/3 πr³ है, तो यहाँ पे हम 2/3 πr³ लिख सकते हैं। 2/3 πr³ हो जाएगा अर्धगोला का। अब यहाँ पे दो तरह का क्षेत्रफल, एक कवण भाग का क्षेत्रफल, मतलब ये चारों तरफ से ये जो है ऊपर वाला ये वृत्ताकार भाग को छोड़कर नीचे से जो कर्व आ गया ना, उसका क्षेत्रफल, उसको हम बोलते हैं वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता था, तो उसी का आधा ये 2πr² होगा। ठीक है, और फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आ जाए तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कहा जाए तो ये क्या हो जाएगा? 2πr² और ये ऊपर वाला द्वितीय भाग जुड़ जाएगा जिसको हम πr² लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 3πr². ठीक है, तो गोला और अर्धगोला से जीरो लेवल का जो बेसिक होता है यही होता है। अब इस पर और भी हम एप्लीकेशन देखेंगे, तो उसको भी देख ही लेते हैं। अब जो एग्जाम में पूछते हैं ये बेसिक भी पूछा ही जाता है क्वेश्चन, लेकिन उससे टफ एडवांस लेवल पे क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो सीजीएल मेंस में आता है। जनरली पीटी में ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं ऐसे रहता है, हाँ कैलकुलेशन जरूर रहता है। अब रहे कि समान ऊंचाई और त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या के तीन चीज लिया जाए, समान ऊंचाई और त्रिज्या के बेलन लिया जाए, ठीक है, समान ऊंचाई त्रिज्या के बेलन लिया जाए, गोला लिया जाए और एक क्या शंकु लिया जाए जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई सेम है, ये लिया जाए। तीनों के आयतन, इसके आयतन को मान लेते हैं V1, इसके आयतन को मान लेते हैं V2 और इसके आयतन को मान लेते हैं V3। तीनों के आयतन में क्या अनुपात होता है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो शंकु और सिलेंडर यानी कि शंकु और बेलन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, फिलहाल अभी गोला पढ़ रहे हैं, तो सबके बारे में जान चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, त्रिज्या तो सबका आर है, ठीक है, त्रिज्या सबका आर है, लेकिन इसकी ऊंचाई कितना होगा? इसकी ऊंचाई के अनुसार देखिए तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक 2r है, इसका व्यास है, यानी कि यहाँ पर ऊंचाई देखा जाए तो 2r हो जाएगा और इसमें भी ऊंचाई क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। अब तीनों का आयतन हम निकाल सकते हैं, तो आयतन कैसे निकालेंगे? इसका आयतन क्या होता है? πr² फॉर्मूला में ये कितना होता है? इसका आयतन गोला का 4/3 πr³ और इसका होता 1/3 πr²h। तो यहाँ पे πr² और h का वैल्यू कितना है? 2r है, ठीक
ठीक है, टू आर है, यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब ही रहेगा, और ये 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी एच का वैल्यू हम टू आर पुट कर लेंगे। तो देखिए हम पाई से पाई सब में खत्म कर देंगे यहाँ से, तो ये बचा कितना, टू आर क्यूब बचा, ठीक है। रेशियो निकालना है इसलिए अब रेशियो का साइन देते हैं, 4/3 आर क्यूब है और यहाँ पे 2/3 आर क्यूब, ठीक है, 2r³ 4/3 आर क्यूब और 2/3 आर क्यूब, आर क्यूब भी तीनों में है, इसे भी कैंसिल कर देते हैं, ये भी हट जाएगा। अब बचा कितना, 2:4/3 2/3 ये बचा, ठीक है। तो यहां से देखा जाए कि तीन इसमें है, तो हटाने के लिए हम ऊपर नीचे तीन से गुणा करते हैं, ऊपर नहीं, इस एलसीएम इसका कितना आएगा, तीन, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2, ठीक है, दिख रहा है ना। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसके 2 इसके 3। तो ध्यान रखना है कि बेलन के सामने 3 है, गोला में 2 है और शंकु में 1 है, तो ध्यान देना है ये दोनों के आयतन में कितना गुना होता है, बेलन से 1/3 गुना होता है, दूसरे से 3 गुना अधिक है ना बेलन का यहाँ पे अनुपात, और ये उसका 1/3 होता है, दूसरे से 1/3 है, तो 1 और 3 ये तो दोनों याद रखना आसान होगा, क्योंकि इसका आयतन जो होता है यानी शंकु का आयतन जो होता है इसका 1/3 होता है, उस अनुसार से ये रेशियो दिख रहा है, गोला का सिर्फ याद रखेंगे। तो बेलन, गोला और शंकु तीनों का आयतन का अनुपात 3:2:1 होगा जब त्रिज्या समान हो और उनकी ऊंचाई समान हो। यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, आप इसे याद भी रख सकते हैं, नहीं याद है तो आप थ्योरी याद रखिएगा, तो एग्जाम में आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं, अब उसी तरह का टाइप देखते हैं, उसमें सिर्फ गोला के जगह पे क्या रहेगा, अर्ध गोला, तब उसके आयतन का अनुपात क्या होता है, जैसे यहाँ भी वही टॉपिक है, बराबर ऊंचाई का बेलन और त्रिज्या, ठीक है, बराबर ऊंचाई और त्रिज्या का बेलन लिया जाए, अर्धगोला लिया जाए इस तरह से, और शंकु लिया जाए, शंकु लिया जाए, तो इनके अनुपात में यानी इनके वॉल्यूम के अनुपात में, आयतन के अनुपात में अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ भी रेडियस आर है, आर है, आर है, ठीक, यहाँ की ऊंचाई क्या है, यहाँ से ऊंचाई देखा जाए तो रेडियस है, यहाँ आर है, इसकी ऊंचाई भी आर है। अब तीनों का आयतन हम बिठाते हैं, आयतन का फॉर्मूला तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, एच के जगह पे आर बिठा देते हैं, ये 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर और h बराबर r ही है, ठीक है। तो पाई से पाई खत्म कर लेते हैं, यहाँ आर क्यू से आर क्यू खत्म कर लेते हैं, और यहाँ भी आर क्यू है खत्म कर लेते हैं, इससे कितना बचा, ये कितना बचा, 2/3, और ये कितना बचा, 1/3, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करते हैं रेशियो को, तो हर वाले का एलसीएम लेकर क्या करते हैं, तीनों में गुना करते हैं, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए फिर उसी तरह से आ गया, बेलन है, बीच में अर्ध गोला है, उसके लिए 2 और शंकु के लिए, तो यहाँ पे गोला रहे या अर्ध गोला रहे रेशियो में कोई अंतर नहीं होता, 3:2 रेशियो बनी है, ठीक है। तो इतना है, और भी टॉपिक देखते हैं, अब देखते हैं और एक थ्योरी, उसके बाद उसके क्वेश्चन देखेंगे, आप जितना भी थ्योरी डिस्कस किए हैं। यदि किसी गोला के अंतर्गत अधिकतम आयतन का घन रखा जाता हो, ठीक है, अधिकतम आयतन का घन रखा जाता हो, तो फिगर बनाते हैं, थोड़ा फिगर तो उस तरह से नहीं बन पाएगा लेकिन कोशिश करते हैं,
अधिकतम आयतन का इसमें क्या रखा जाए, घन रखा जाए, ठीक है। किसी गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन का जब घन रखा जाएगा तो यहाँ आप देखिएगा घन का जो विकर्ण होगा, घन का विकर्ण होगा इस गोले के व्यास के बराबर होगा, गोले के व्यास के बराबर होगा, गोले का व्यास, ठीक है, गोले का व्यास आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये घन का विकर्ण का फॉर्मूला बता दिए हम पीछे वाले वीडियो में, ठीक है। तो घन का विकर्ण रूट थ्री ए और गोले का व्यास यहाँ पे टू आर, तो यहाँ से यदि ए निकालेंगे तो टू आर वाई रूट थ्री, ठीक है, भुजा 2r by root 3 हो जाए। अब यहाँ से भी ज्यादातर क्या है ना, इस रिलेशन से रेसिडेंट पूछा जाता है, तो बाकी जो भी पूछा जाएगा थ्योरी कंप्लीट होगा, मना ही नहीं। तो रेशियो क्या होगा, रेशियो मतलब यहाँ पे गोले का आयतन, गोले का आयतन के साथ इसका रेशियो देखना होगा घन का आयतन, घन का आयतन का रेशियो। तो गोले का आयतन यहाँ पे 4 बाय 3 पाई आर क्यू हो जाएगा, घन का आयतन ए क्यू होता है, तो 4 बाय 3 पाई आर क्यू। अब देखिए ए का वैल्यू है 2, 2r बाय 3 इसका क्यू कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4 बाय 3 पाई आर क्यू रेशियो। यहाँ से हम यदि करते हैं कैलकुलेशन तो ये 8 आर क्यू और ये 3√3 इतना हो जाएगा। अब देखते हैं ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, आर क्यू से आर क्यू खत्म हो जाएगा और यहाँ से 4 गुना ये 8 खत्म हो जाएगा, लेकिन पाई तो बच गया ना, 3 पाई रेशियो इधर से 2 बचा। तो जब किसी गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन का घन रखा जाता हो तो गोले का आयतन और घन के आयतन के अनुपात क्या होता है, 3 पाई रेशियो 2। अब पाई का वैल्यू बिठा कर यदि आंसर देता है ऑप्शन में तो उसको सॉल्व कर लेंगे, जनरली यही याद रखना है, याद रखने से बेहतर है कि आप, ठीक है, थ्योरी कंप्लीट रखिए तो प्रॉब्लम कम से कम होता है। तो आज का टॉपिक गोले से जो भी रिलेटेड था हो गया है। अब इसी तरह से क्वेश्चन ये भी रहता है कि किसी अर्धगोले के अंदर घन रखा जाता हो तो उसमें आप ध्यान रखिएगा ना कि ए का वैल्यू जो होता है अंडर रूट 5 बाय 2 आर, ये होता है, इसका यूज करके हम बना सकते हैं, ठीक है। अगला आयतन निकालना हो जब अर्धगोले के अंतर्गत घन रखा हो तो ए का वैल्यू अंडर रूट 5 बाय 2 आर होता है। तो आज के टॉपिक पे क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा वीडियो पॉज करना पड़ेगा क्वेश्चन लिख। तो आज के टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जनरली गोला पे और अर्धगोला पे है, इससे एप्लीकेशन के रूप में जो भी था उस पे तो हमने रेशियो बता ही दिया है। तो फिलहाल दो ही क्वेश्चन आज देखते हैं आज के टॉपिक पे, ठीक है। तरह किसी गोला के पृष्ठ का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उनका आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, बात देखिए 4 पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट कितना दिया हुआ है 1386 इतना। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है 1386 बट्टा यहाँ पे 4 गुने 22 गुने ऊपर 7, ठीक है। यहाँ से आप काट सकते हैं 22 बतील से और 6 दिख रहा है तो बतील से तो यहाँ पे 6 बचेगा तो 66, ये कितना हो जाएगा 9 गुने 7 गुने 7 और ये 9 को हम 3 गुने 3 भी लिख सकते हैं, नीचे 4 है तो 2 गुने 2 लिख सकते हैं, आर स्क्वायर है तो यहाँ से हम पेयर में यदि निकालते हैं तो कितना निकलेगा 3 गुने 7 बटा 2 यानी 21 बटा 2 इसका रेडियस हो गया, ठीक है। जब रेडियस इसका आ गया तो अब आयतन निकाल दीजिए, किसी गोला का आयतन निकालना है तो 4 बटा 3 22 बटा 7 21 बटा 2 गुने 21 बटा 2 गुने 21 बटा 2, ठीक है। काट छट तो अपने हाथ में है, इसको काट छट कर लीजिए, 21 तो यहाँ से 21 खत्म हो गया, 2 गुना 4 तो यहाँ से 4 खत्म हो गया और यहाँ से 11 गुनी 22 ये खत्म हो गया, तो 11 गुने 441, तो 441 को आप इस तरह से दीजिए 1 4 5 441 441।
तो ये 48 51 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा आयतन। ठीक है, अब है किसी अर्धगोला का आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब हो तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आयतन दिया हुआ अर्धगोला का 2/3 × 22/7 × r³ = 19,404। यहाँ से सॉल्व करके रेडियस निकाल लेंगे, तो रेडियस यदि निकालते हैं तो ये आएगा क्या 19,404 और ये 2×22 और 3×7 के ऊपर चला जाएगा। यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप काट लेते हैं क्या होगा, दोनों 18 × 2 = 14 0। ठीक है, ये यहाँ से जब कटेगा तो 441 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये 21×21×21 के रूप में आ जाएगा। तो आर क्यू बराबर इतना है, इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा 21। आर बराबर जब 21 निकल गया तो अब क्या निकालना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है अर्धगोला का, तो ये क्या होगा 3×22/7 × आर का वैल्यू कितना है 21×21। तो यहाँ से हम 7 × 21 काट लेते हैं, 65 × 66 × यहाँ से 21 हो जाएगा। एक इच्छक छबिल से होता है तो दो बार छबिल से कर लेते हैं। देखिए 68 इधर से 31 से 3 से 7 10 11 14 15 16 17 18 15 17 18 45 47 48 52 इसका क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो गोला या फिर गोला से जो भी रहे उसका फॉर्मूला भी टाइप किया और कैलकुलेशन कीजिए। इंसुलेशन भी तो ज्यादा से लेकिन क्या है कैलकुलेशन ही करना होता है। तो कल के टॉपिक में हम देखेंगे प्रिज्म और पिरामिड, एक दिन में होता है तो ठीक है, नहीं तो दो दिन में प्रिज्म और पिरामिड हम खत्म करते हैं। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी बताइए, शेयर कीजिए। ठीक है, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।